नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। शिविर महाराजा सुहेल देव राजभर जी, शिविर सुहेल देव राजभर अमर जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाज के गद्दारों को जूता मारा मारो, समाज के गद्दारों को जूता मारा मारो। जय सुहेल देव, सुहेल देव राजभर अमर रहे, अनिल राजभर वापस जाए, पीछे पीछे किसमें से, किसमें से अनिल राजभर वापस जाए, अनिल राजभर मुर्दाबाद, 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 वापस वापस जाए, वापस जाए, अनिल राजभर वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, अनिल राजभर वापस जाए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल राजभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल राजभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित त्रिपाठी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अनिल राजभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनिल राजभर जी, जो कि हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास बहुत पुराना है और गजेटियर और तमाम शासनादेश पर उनका नाम है घर लिख करके, और हमारे सुपरस्टार हीरो अजय देवगन जी फिल्म बनाने जा रहे हैं उनके ऊपर, जो कि सिंह लिखकर बनाना चाहते हैं, और हम लोग उसका घोर विरोध कर रहे हैं। उनके खिलाफ़ हमने एफआईआर वगैरह भी कर दिया है, मुकदमा भी दायर कर दिया है, और माननीय हमारे एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राजभर संगठन के एडवोकेट जयप्रकाश जी ने उनके ऊपर एफआईआर और मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये 3 दिन हो चुका है और 2 दिन के बाद हमें वहाँ बुलाया गया है MHB पुलिस चौकी थाने के अंदर में। इसी का हम घोर विरोध करते हैं कि जब हमारा इतिहास यदि मिट जाएगा तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हम जो कि समाज के प्रति और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों पर बैठ करके, मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हरीश राजभर और एडवोकेट जयप्रकाश जी आप जी, ऐसा है कि ये मामला उठा कब, ये पहला प्रश्न होना चाहिए। तो मामला उठा ऐसे कि महाराजा सुहेल देव और अमित त्रिपाठी नामक मुंबई के बहुत फेमस लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखनी शुरू की 1.5 साल पहले, और 1.5 साल पहले वो महाराजा सुहेल देव को पासी बता रहे थे। और जब हम लोगों को यह पता चला तो हमें यह भी पता चला कि वरुण धवन जी उसमें फिल्म बना रहे हैं, वरुण धवन जी उसमें फिल्म बना रहे हैं और महाराजा सुहेल देव को पासी बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने उनके ऊपर लीगल कार्रवाई किया, माइन पुलिस स्टेशन में हमने उन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया, और पुलिस कंप्लेन का रिजल्ट यह हुआ कि वरुण धवन जी ने रिटर्न में हम लोगों से क्लेरिफिकेशन दिया, हमको लेटर भेजा उनकी मैनेजर इशिता के जरिए, उनका जो स्टाफ आया था उसका नाम बहादुर था, वो हमारे घर आकर वो लेटर दिया है जो वरुण धवन जी की तरफ से आया है। इसके अलावा अमित त्रिपाठी जी ने ईमेल के जरिए उस समय माइन पुलिस स्टेशन में बताया कि मैं ये किताब अब पोस्टपोन कर रहा हूँ, ये आगे नहीं करूँगा। उसके 1.5 साल बाद अचानक फिर वरुण धवन ये अमित त्रिपाठी जी प्रकट हुए हैं, और इस बार महाराजा सुहेल देव को पासी ने बताकर सिंह बता रहे हैं और वरुण धवन के जगह पे अजय देवगन जी को पिक्चर में ले रहे हैं। क्या ये पिक्चरों में सिर्फ काल्पनिक कहानियाँ बताकर किसी का इतिहास का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, यह पैसे का खेल है, या पैसे कमाने के लिए हमारे महाराजा सुहेल देव को, जो कि सरकारी गजेटियर सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी सारे रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि महाराजा सुहेल देव भर जाति के हैं, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए अमित त्रिपाठी नामक लेखक ने महाराजा सुहेल देव को अन्य बिरादरी का बताकर और इसको पिक्चर बनाने के चक्कर में है, और अब अजय देवगन को इसमें शामिल किया जा रहा है। अजय देवगन जी सुपरस्टार हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उनको बाकायदा लीगल नोटिस भेजा है कोर्ट से। इसके अलावा संगठन की तरफ से उनको लेटर भी भेजा है, और अब 3 दिन पहले हम लोगों ने उनके खिलाफ MHB पुलिस स्टेशन बोरीवली मुंबई में उनके खिलाफ FIR भी किया है। जल्द ही हम लोग 3-4 दिन के अंदर वहाँ के जो बड़े ऑफिसर हैं उनसे मिलकर उसमें जो एविडेंसेस है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो भी हम लोग देने वाले हैं और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले हैं, या कोर्ट में मैटर आ जाएगा। और हम ये कर रहे हैं क्योंकि मंत्री जी, हमारे दुलारे और प्यारे मंत्री जी कह रहे हैं कि महाराजा सुहेल देव सिंह है, पिक्चर बनने दीजिए।
आप लोगों ने ही सपोर्ट करके माननीय अनिल राजभर जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाने में मदद किया, अब आप ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं समाज के द्वारा, तो कैसे चलेगा? देखिए ऐसा है कि चाहे मंत्री जी हो या कोई भी हो, अगर जो चीज़ गलत है उसे गलत कहना चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है गलत को गलत कहने के लिए तो आप मुँह बंद रखिए, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन आप गलत को सही कहेंगे तो आप मंत्री होने दीजिए या कुछ होने दीजिए, आपका विरोध समाज करेगा। और यही हम बताने आ रहे हैं और यह एक शुरुआत है, यह एक शुरुआत है। देखिएगा यह जो सिलसिला विरोध का शुरू हुआ, यह पूरे भारत में जाएगा और पूरे भारत में जो हमारे राजभर समाज के लोग हैं वे पूरे भारत वर्ष में इनका विरोध किया जाएगा और इनको कहीं भी ठिकाना नहीं लगेगा। बताया जाता आज यहाँ पे काला झंडा दिखाने वाले हैं आप? बिल्कुल काला झंडा दिखाने वाले नहीं, हम काला झंडा दिखा रहे हैं। अनिल राजभर मुर्दाबाद, 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 वापस जाओ, वापस जाओ।